नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रभा में। तो बेटा, आज 10th क्लास के बच्चों ने दिया है अपना मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम। लास्ट एग्ज़ाम था ये आपका। होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो अगर आपको अपने आंसर्स टैली करने हैं, मैथ्स का सॉल्यूशन देखना है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर आपका ये मैथ्स का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है सेट 3, जिसको सॉल्व किया गया है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन पेपर को रखेंगे साथ में और मिलान करेंगे अपने राइट आंसर का, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे कि कैसा गया आपका पेपर, कितने क्वेश्चन किए हैं आपने सही और कौन सा हो गया है गलत। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर खंड का में आप लोगों के लिए MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक नंबर का एक क्वेश्चन था। आपको ऑप्शन पर टिक लगाना था, जैसे कि लीनियर इक्वेशन यहाँ पर आपको दे रखी हैं, तो वो दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं और उनका आपस में आपसे संबंध पूछा गया है कि वो एक दूसरे के साथ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका आएगा ऑप्शन सी, कॉन्सिडेंट यानी कि संपाती रेखाएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसके अंदर आपको एक लेंथ बतानी थी TA टेंजेंट की, तो उसकी लेंथ होगी बेटा आपका ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। ऑप्शन ए इट मीन्स 2√3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजाइट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, तो इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए वापस से 1:2। क्वेश्चन नंबर फोर है इफ़ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन सन्स एलिवेशन इज, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फाइव है आप लोगों को दो समरूप यहाँ पर ट्राइंगल दे रखे थे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको बताना था x की वैल्यू यानी कि PR की वैल्यू आपको बतानी थी। तो PR की वैल्यू है आपकी 2.5, ऑप्शन बी। कैसे आया 2.5? ऐसे उन्होंने एक यहाँ पर दिया हुआ है हमको AC 6 सेंटीमीटर और RQ दिया हुआ है, तो 6 का हाफ है 3, तो 5 का हाफ 2.5 आपका x हो जाएगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6.8 फ्रॉम ओरिजिन इज, तो ओरिजिन के पॉइंट क्या होंगे आप लोगों को पता होगा, 0 0 0 0 लगा करके डिस्टेंस फार्मूला से आपको इसका आंसर निकालना था, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 10। सेवन क्वेश्चन है द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP इज 7.2863, तो नेक्स्ट टर्म है इसकी 112 ऑप्शन डी। एट है sec square theta माइनस 1 और cosec square theta माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा बी। और कैसे सॉल्व करना था, 1/sec को कर देना था cos के फॉर्म में और cosec को कर देना था sin के फॉर्म में, इस तरह से आपको आंसर निकालना था। क्वेश्चन नंबर 9, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, तो डाइस को हम एक साथ निकाल रहे हैं, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन द अपर फेस इज इक्वल टू 3 इज, तो कौन कौन से हो सकते थे, 5 और 2 एक पॉइंट इसमें हो सकता था, 5 और 2 एक हो सकता था, इसी का रेसिप्रोकल 2 और 5 एक, इस तरह से 6 3 और एक हो सकता था 3 6, तो इस तरह से 4 पॉइंट निकल के आ रहे थे, तो कितने में से 36 में से, तो 4/36 इज इक्वल टू 1/9, तो ऑप्शन ए 1/9। क्वेश्चन नंबर 10 है ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फॉर्म अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी डेट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एक इज, तो जब हमने एक सारे निकाल दिए हैं, तो 4 एक निकाल दिए 52 में से, तो कितने बचे, 48 बचे, तो 48/52, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो शॉर्टेस्ट फॉर्म आएगी वो आएगी 12/13, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा 12/13। क्वेश्चन नंबर 11 है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 10 इज इक्वल टू 0, तो हमको इसको सॉल्व कर देना था रिटुकेशन को। रिटुकेशन कैसे सॉल्व करना था, 5x, जैसे इसके फैक्टर करेंगे हम 10 के फैक्टर 5 और 2 में करेंगे और 5 2 से लेस करके 3 करके, तो हमारे जो पॉइंट्स निकलेंगे वो निकलेंगे ऑप्शन ए वाले 2 और 5, ठीक है।
तो यही इसके रूट थे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स टू माइनस वन देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज दैट, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1। 13 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स, आपको 4x², 3x-7 और ये सब पूछा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा इसका सॉल्व करने के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा इसका -3/7 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर दे रखा है तो वो तो आपको पता है अपने पढ़े 1/2πr² है ना। अब r की बदले इन्होंने हमें डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर का भी हमको हाफ करना पड़ेगा, तो 1/2 के बदले आंसर हो जाएगा 1/4πd² ऑप्शन बी। 15 में आपसे पूछा गया है बहुलक वर्ग को, तो मॉडल क्लासेस में पूछा गया है तो 60 में सबसे ज़्यादा है तो 60 वाला जो रेंज हो जाएगा वो 50-60 हो जाएगा, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी में 50-60। क्वेश्चन नंबर 16 है इन द गिवन फिगर पी टी इज़ अ टेंजेंट ऑफ टी टू द सर्कल विद सेंटर ओ, इफ़ टी पी ओ 25 देन एक्स इज इक्वल टू, आप सीधा सीधा सा अगर हम सॉल्व करेंगे ये 25 है तो ये 90 है क्योंकि सीधा सेंटर से जा रहा है टेंजेंट पे, तो 90 एंड 25 150 हो गया, 115 के बाद ये 65 निकल गया और ये 118 है पूरा का पूरा, तो 65 लेस करेंगे 180 में से तो कितना आएगा 115, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 115। क्वेश्चन नंबर 17 है इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू ए सी इफ़ बी पी 4 ए पी 24 एंड बी क्यू 5 देन द लेंथ ऑफ बी सी इज़, अगर आप इसको सॉल्व करोगे कैसे पी बी अपॉन ए बी एंड बी क्यू अपॉन बी सी करके जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे इक्वेशन सॉल्व करोगे आंसर आएगा ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 18 है आपको पॉइंट्स दिए गए हैं 404003 है ना आर द वर्टिकल्स ऑफ आ, तो ये किसके वर्टिकल्स हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि सम द्विबाहु त्रिभुज जिसकी जो दो मतलब भुजाएं होती हैं आर्म्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द प्रोबेबिलिटी डैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इज 2/7 एंड रीज़न है द प्रोबेबिलिटी डैट अ नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इन 5/7, तो दोनों आर करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है तो हम जाएंगे ऑप्शन ए पर। ठीक इसी तरह से 20 है, 20 क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि ए बी सी एक ए पी के पद होंगे और ए बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा, तो ये गलत है और पहली एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो एन स्क्वायर होता है तो दूसरा सही है, तो हम जा रहे हैं ए गलत है जबकि आर सही है तो ऑप्शन डी पर 20 का आंसर होना चाहिए डी। इसके बाद आप लोगों से यहाँ पे सॉल्व दो दो नंबर वाले क्वेश्चन अब बेटा यहाँ पर आपके स्टार्ट हो गए हैं जिसके अंदर आपको फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना था, तो सम क्या होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए है ना, तो ये माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए करके आपको निकाल देना था और ए बी सी की वैल्यू क्या थी 2, ए की वैल्यू और बी की -9 और सी की वैल्यू 4, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और जो सेकंड वाला जो बी वाला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको बिल्कुल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगा देना था, ठीक और सी की वैल्यू यहाँ पर 0 है। इसी तरह से 22 के ए में आपको थीटा जो है वो 45 डिग्री दिया गया है तो थीटा की वैल्यू आपको 45 डिग्री यहाँ पर फिल करके इसको सॉल्व कर देना था। इसी तरह 23 क्वेश्चन में इफ़ अ फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, मतलब कि अगर किसी सिक्के को दो बार चलो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ऑलमोस्ट वन हेड, तो हमको क्या ही दो सिक्कों को अगर उछालेंगे तो क्या ही हमें मिल सकता है हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ये चार प्रोबेबिलिटी हैं तो हमको ऑल एट मोस्ट वन हेड चाहिए था, तो वन हेड ये रहा तो क्या आ जाएगा 2/4 और 1/2, ठीक है। तो इसी तरह से ऐसे टू नंबर ऑफ रेशियो जैसे 2 और 3 है एलसीएम 180 है तो एससीएफ निकालना था, तो क्या होता है फॉर्मूला इसका आपको याद सॉरी फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो फॉर्मूला लगना था इसमें पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स
इज इक्वल टू एस सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम, यही वाला फॉर्मूला लगा के हमको इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर देना था। तो इसी तरीके से बेटा अब आपके थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं, है ना। तो ऐसे आप लोगों ने लगभग सॉल्व किया ही होगा इनको, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन इसमें से आपको सॉल्व कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दें। अभी मुझे ज़रूर बताएंगे कि लगभग कैसा गया है आपका पेपर और वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा है। अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और मैथ्स बेसिक का पेपर जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे सॉल्व किया हुआ। और ये वाला जो पेपर था ये स्टैंडर्ड था, तो स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए ये वाला पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।